प्रेज़ द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हो जाए और मगन हो जाए। एशिया 11 उसका दूसरी आयत। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरा रहेंगे, और उसको यहोवा का भाई सुगंध सा भाएंगे। यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह जन्म लेने से लगभग 600 साल पहले यशायाह नबी के द्वारा दिया गया एक भविष्यवाणी है। सात प्रकार की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ गॉड, परमेश्वर की आत्मा, और यीशु मसीह के ऊपर ठहरेंगे, यीशु मसीह के ऊपर रहेंगे, उस विषय के बारे में यहाँ पर लिखा है। लेकिन आप विश्वास करते हैं, अब नया नियम के प्रकाशन में जब हम पढ़ते हैं, ये सात प्रकार की आत्मा हमारे ऊपर भी वास करते हैं। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आया, परमेश्वर की आत्मा जब हमारे अंदर आया, इस पवित्र आत्मा के अंदर सात प्रकार का स्वभाव होता है। सात प्रकार से वो आत्मा हमारे जीवन में काम कर सकता है। पहले लिखा है कि यहोवा की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। दूसरा बुद्धि की आत्मा, तीसरा समझ का आत्मा, और युक्ति की आत्मा, और पराक्रम की आत्मा, ज्ञान की आत्मा, यहोवा का, यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरा रहेंगे। पेंतेकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा जब आकर लोगों के ऊपर ठहरा, तो ये पवित्र आत्मा का परफेक्शन, 7 इज द नंबर ऑफ परफेक्शन, 7 एक सिद्धता का नंबर होता है। तो पवित्र आत्मा सात प्रकार से हमारे जीवन में काम कर सकता है। प्रकाश वाक्य के पुस्तक में भी हम पढ़ सकते हैं परमेश्वर की सात आत्मा, इसीलिए सात अलग अलग आत्मा नहीं, एक आत्मा है, लेकिन सात प्रकार, सात स्वभाव है इस आत्मा का। उसमें युक्ति है, उसमें बुद्धि है, उसमें ज्ञान है, उसमें परमेश्वर का भय है। ये आत्मा, पवित्र परमेश्वर की आत्मा अगर हमारे अंदर है, ये सात प्रकार से, सात स्वभाव, सात बातें हमारे जीवन में भी प्रकट होता है। हम स्वीकार कर सकते हैं, आप अपने लिए वचन बोल सकता है, यहोवा की आत्मा मुझ पर है, बुद्धि की, युक्ति की, ज्ञान की, समझ की, पराक्रम की, यहोवा की, भय की आत्मा मुझ पर है, और मैं परमेश्वर के लिए एक सुगंध के समान होने जा रहा हूं, क्योंकि यहोवा की ये आत्मा मेरे अंदर है। आप सबके अंदर ये आत्मा वास करते हैं। परमेश्वर आपको बहुत ऐसी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विद यू। शालोम।